मॉसरोज ये पॉर्चुला का गर्मियों का एक सकुलेंट प्लांट जिसके फूल सुबह खिलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। बाहर के मौसम से इस पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाती है और मौसम जैसे ही गर्म होता है ये पौधा फूलों से भरा रहता है और अगर इस पौधे की केयर की जाए तो अगले सीजन में ये फ्लावरिंग के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। आज की वीडियो में बात करेंगे पॉर्चुला का प्लांट की, इस पौधे के लिए जरूरी सॉइल मिक्स, धूप और पानी की जरूरत और इसके फर्टिलाइजर्स के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉर्चुलाका का पौधा जमीन में घास की तरह फैलता है और इसलिए इसे ग्राउंड कवरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह गर्मियों का पौधा है तो इस पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप हर रोज मिलनी चाहिए। सकुलेंट पौधा है, इसकी पत्तियों और टहनियों में पानी भरा रहता है तो इसकी पानी की जरूरत भी बहुत कम रहती है। पानी इसे तभी देना चाहिए जब गमले की मिट्टी ऊपर से सूख जाए। ज्यादा पानी की वजह से इसकी जड़ें गलना शुरू हो जाते हैं और पौधा खराब हो जाता है। इस पौधे को ज्यादा धूप और कम पानी मिलेगा तो ये पौधा फूलों से भरा रहेगा। बरसात के मौसम में ज्यादा बारिश होने पर इस पौधे को किसी छत या बालकनी में रखना चाहिए जहां इसे धूप पूरी मिल सके। इस पौधे में ज्यादा फूल लेने के लिए इसकी पिंचिंग और डेड हेडिंग करना भी जरूरी है। पिंचिंग करने से इस पौधे में बहुत ज्यादा साइड ब्रांचेस आते हैं और जिससे कलियां और फूल भी ज्यादा खिलते हैं। स्पेंट फूलों की डेड हेडिंग करने से पौधा नए फूलों के लिए एनर्जी जुटाता है। ऐसा करने से पौधा घना भी हो जाता है और सुंदर भी दिखता है। पिंचिंग करते हुए अगर आप इस पौधे की 2 से 3 इंच की कटिंग्स बना लेते हैं तो आप इससे कई और नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। बस आप इन छोटी छोटी कटिंग्स को मिट्टी में लगा दीजिए और 1 महीने बाद आप इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फरवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर के महीने तक किसी भी मौसम में इसकी कटिंग्स आसानी से ग्रो करती रहती हैं। सर्दियों के मौसम में ये पौधा डोरमेंट हो जाता है, पौधा लैगी हो जाता है और अपनी पत्तियां गिरा देता है, लेकिन बाहर के मौसम से ये अपनी ग्रोथ फिर से शुरू कर देता है। फिर भी किसी वजह से ज्यादा ठंडे मौसम में पाला गिरने पर अगर ये पौधा मर जाता है तो अक्टूबर के महीने में इसके स्पेंट फूलों से आप सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और नए सैकड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं। या अक्टूबर नवंबर के महीने में इस पौधे की छोटी छोटी कटिंग्स लगाकर रख लें तो इन कटिंग्स के सर्दियों में मरने के चांसेस कम रहते हैं। फरवरी के महीने से ये पौधा अपनी ग्रोथ शुरू करता है तो ऐसे में इस पौधे को बैलेंस्ड एनपीके खाद मिल जाए तो ये पौधा अपनी ग्रोथ और फ्लावरिंग तेजी से करता है। महीने में एक बार कंपोस्ट या बनाना पील फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में देंगे तो इसके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर बात करें तो यह पौधा बहुत कम केयर में आपके गार्डन में खिला रहता है। इसके फूल काफी रंगों के होते हैं। देसी वेराइटीज में लाल, गुलाबी और पीला रंग देखने को मिलते हैं। हाइब्रिड वेराइटीज में संतरी, क्रीम, बैंगनी, सफेद और कई रंगों के फूल देखने को मिल जाते हैं। पॉर्चुलाका की लंबाई लगभग 6 इंच से 1 फीट तक होती है तो अगर आप इसे जमीन में लगाएं तो 1 फीट की दूरी पर ही एक पौधा लगाएं। इस पौधे के बीज आसपास गिरते रहते हैं जिससे यह पौधा जमीन या गमले में फैलता जाता है। मॉसरोज के फूल तितली और मधुमक्खियों को भी आकर्षित करते हैं और आपके बगीचे को खुशनुमा बनाते हैं। यह पौधा किसी भी मिट्टी में चल जाता है लेकिन गमले की मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पौधे पर बात करते हुए। सब्सक्राइब करें गार्डन साइंस चैनल को। अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड टाइम।